हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू टिप्स लेकर आ गई हूँ चीज़ों को ठीक करने का। और ये धनिया है, तो देखिए ये होता है कि चीनी में ना चींटियाँ हो जाती हैं, बारीक बारीक और रेड वाली चींटियाँ। तो अभी हम बताएंगे आपको कि ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाएं जिससे हमारी चीनी में चींटी ना हो। तो वो देखिए, ये हमने लौंग ले ली है और ये लौंग हम इसमें अब डाल देंगे और देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे नीचे तक लौंग चली जाएगी। और ऐसे ना आपकी चीनी में कभी भी चींटी नहीं होंगी। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है, मतलब ज़्यादा स्टोर की हुई है चीनी, तो आप लौंग की मात्रा ज़्यादा कर सकती हैं। और अगर आप चीनी में जो डेली वेयर का जो डेली का जो डब्बा होता है उसमें आप इस तरीके से 8-10 लौंग डाल दीजिए, जिससे कि आपकी चीनी में बिल्कुल भी चींटी नहीं होगी और सीलन भी नहीं आएगी। क्योंकि आप लौंग डालेंगे तो इससे ये जो सीलन होती है वो भी ख़त्म कर देगी और बिल्कुल आपकी चीनी में सीलन नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब सर्दियों के मौसम में ना ताज़ा ताज़ा अच्छा धनिया आता है। तो ये मैंने धोकर और सुखा लिया था धनिया। अब इसे मैं एक ऐसे स्टोर करूँगी जिससे कि हमारा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जैसा का जैसा बना रहेगा। तो मैं ये सारा धनिया का जो पत्ता जो वो है ख़राब है उसे मैं इसमें से निकाल दूँगी और ये सारा धनिया मैं, और आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं धनिया को, आपका धनिया ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और ये सारा धनिया मैं इस थैली में रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें रख दूँगी और इसमें एक टाइट से, ये देखिए इस तरीके से टाइट से इसमें मैं गांठ लगा दूँगी जिससे कि हमारा धनिया में बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। तो ये धनिया बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और कई दिनों तक ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा। इस टिप से आप अपने धनिया को अच्छी तरीके से रख सकते हैं और बिल्कुल भी धनिया आपका ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज ले ली है और प्याज आप इस तरीके से आप छीलेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका छिलका अच्छी तरीके से उतरेगा भी नहीं और आपको बहुत ही तीखा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आँखों में मिर्च लगेगी, जलन होना शुरू हो जाएगी आँखों में और फिर आँसू निकलने लग जाएंगे। तो मैं आज आपको नई टिप्स बताऊँगी जिससे आप प्याज को अच्छे से काट सकते हैं और अच्छे से छिलका भी उसका निकल जाएगा और उसका आपको आँखों में मिर्च भी नहीं लगेगी। तो ये हमने पानी ले लिया है और हम पानी में प्याज काटने से 10 मिनट पहले पानी में भिगो देंगे प्याज को और इस तरीके से भिगो कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम प्याज को काटेंगे तो प्याज हमारी अच्छी तरीके से कट जाएगी, छिलका भी अच्छे से उतर जाएगा उसका बहुत ही जल्दी और आपकी आँखों में मिर्च भी नहीं लगेगी और बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, बिल्कुल आपके आंसू नहीं निकलेंगे। आप आराम से इजीली तरीके से प्याज को काट सकती हैं। तो इस तरीके से हम प्याज को 10 मिनट के लिए डिप कर रखेंगे पानी में और देखिएगा और कि आपको कितनी अच्छी लगेगी ये वाली टिप्स। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम ये प्याज अक्सर इकट्ठी करके ले आते हैं, जैसे 1-2 किलो प्याज हमने इकट्ठी कर ली और फिर ये होता है कि प्याज ना ख़राब सी होने लग जाती है जब हम ज़्यादा प्याज को स्टोर करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि हमारी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और देखिए जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो अभी हम मैं ये थैली में प्याज लेकर आए थे तो अभी इसे किसी बास्केट में पलट लूँगी। तो उससे पहले मैं आप कौन सी ट्रिक अपनाऊँगी जिससे कि हमारी प्याज जैसी की जैसी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए हम लेंगे ये अदरक। तो फ्रेंड, आजकल सर्दियाँ आ रही है, आजकल अदरक तो खूब आ रहा है मार्केट में, तो आप अदरक ले आइए और आप जिस भी बास्केट में इसे प्याज को रखें उसमें आप अदरक रख दीजिए। इससे आप ये देखेंगे कि आपकी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल तरोताज़ा बनी रहेगी। और आप जितनी क्वांटिटी आपकी प्याज की हो आप उतना थोड़ा सा अदरक बढ़ाकर डाल सकते हैं इसमें और आप आराम से इसे प्याज को कई दिनों तक चलाइए, आपकी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इकट्ठी प्याज लेकर आए तभी भी आपकी प्याज ख़राब नहीं होगी और कितने भी दिन आपकी प्याज चल जाएगी। तो बताइएगा मेरी आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी।